हाँ जी बेटा, अब अगली वीडियो में हम लंग लकार अभ्यास करते हैं। लंग, ये पूरा अभ्यास हमारा लंग लकार से संबंधित है, इसको समझेंगे हम। लिखा हुआ इसमें पहला प्रश्न हमारा, वाक्य पूर्तिम कुरु लंग लकारे, वाक्य पूर्ति करनी है हमने लंग लकार में करनी है। लिखा है इसमें सह पुस्तकम, वह पुस्तक, पठ धातु है, पठ धातु अभी हमने किया, अपठत है ना, हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर हम सह पुस्तकम अपठत। ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन अपठत। इसके बाद हमारा अगला क्या है, तव, तव के साथ क्या आता है, तव के साथ देखो क्या आता है, अतम आता है, अताम आता है हमारा। फिर लिखेंगे हम तव अगच्छताम, पहले हम अ लगाएंगे, ठीक है, और फिर गम धातु गच्छति गच्छते चलता है, अगच्छताम, तव अगच्छताम। अगला देखेंगे वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन, अपठाम तो क्या होगा हमारा, वयम अनमाम, हम सब ने नमस्कार किया, वयम अनमाम। आगे देखेंगे आवाम, आवाम के साथ हमारा आव लगता है, अखादाव, आवाम अखादाव, आवाम अखादाव, तो हम के साथ क्या लगता है हमारा, अ प्लस धातु पठ अह लगता है, तो अपठह। आगे देखेंगे यूयम, यूयम के साथ क्या लगता है, अत लगता है ना, तो हमने अत लगाएंगे, अनमत, यूयम के साथ अनमत, तुम सब ने नमस्कार किया, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे अब हम अगला प्रश्न हमारा, लकार परिवर्तनम करो, लकार परिवर्तन करना है। ये हमारे सारे शब्द जो दे रखे हैं वो लट लकार और इधर हमारे लिरट लकार में दे रखे हैं। अब हम चलावे लिखा हुआ है, चलावे को, चलावे हमारा कहाँ आता है, उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है ना, तो क्या होगा हमारा, अ चलाव, उत्तम पुरुष द्विवचन में अ चलाव। अगला देखेंगे हसंती लिखा हुआ है, हसती हस्ता हसंती, यही है ना, है ना, तो क्या होगा, देखो अपठत अपठताम अपठन, क्या होगा, अहसत अहस्ताम अहसन, तो हमने लिखा यहाँ पर अहसन। नमतः, नमतः हमारा कहाँ है, द्विवचन में आता है, ठीक है, नमती नमतः, तो क्या होगा, अनमत अनमताम। हमारा पुरुष और वचन वही रहेगा, केवल लंग लकार में परिवर्तन लाना है। खादति, प्रथम पुरुष एक वचन, खादति, क्या होगा हमारा, अ लगाया हमने, खा द त, जैसा होता है ना, खादती, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, अखादत लंग लकार में। गमिष्यतः, प्रथम पुरुष द्विवचनम, ये हमारा शब्द जो प्रथम पुरुष द्विवचन का लिरट लकार का, अब हमने प्रथम पुरुष द्विवचन लंग लकार में लाना है। गमिष्यति, गमिष्यतः होता है लट में, इसमें क्या होगा हमारा, अगच्छत अगच्छताम, अगच्छत अगच्छताम। आगे देखेंगे चलिष्यतः, ये हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में अत लगता है, अतम लगता है, तो क्या होगा ये, अ च ल त म अचलतम। पठिष्यसि, अगला देखेंगे पठिष्यसि, मध्यम पुरुष एक वचन, पठ धातु, क्या होगा हमारा फिर, अ चलह अपठह, सॉरी अपठह, पठ धातु ना हमारा, तो अपठह, कि हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में पठ धातु में अपठह। आगे देखेंगे पतिश्यामः, उत्तम पुरुष बहुवचन है हमारा, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है ना, पतिश्यामी पतिश्यावे पतिश्यामः, जब हम इसको लंग लकार में बोलेंगे तो अपतम अपताम अपताम, तो ये हमारा अपताम। तो समझा आपने बेटा, लकार परिवर्तन करते समय हमने जिस वचन और जिस पुरुष में है, उसी वचन और उसी पुरुष में हमारा लंग लकार में आएगा। ये हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन, ये भी हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन, ये हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन, ये हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन, ये हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन, ये हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन, ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन, ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन, केवल लकार परिवर्तन हुआ। फिर हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, फिर
मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, फिर हमारा ये हमारा मध्यम पुरुष एकवचन, ये भी हमारा मध्यम पुरुष एकवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। अगला प्रश्न हमें देखना, निर्देशानुसारम वचन परिवर्तनम कुरुत, निर्देशानुसार वचन परिवर्तन करना। जैसे पहला वाक्य हमें द्विवचन में, दूसरा हमारा एकवचन में, तीसरा हमारा बहुवचन में, चौथा हमारा द्विवचन में, हमने कर्ता और क्रिया दोनों को ही परिवर्तित करना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है बालकः अपठत, ये भी सारे हमारे लंग लकार के हैं, ये भी हमने लंग लकार में चेंज किया, ये भी हमने लंग लकार किया, और ये भी हमारा लंग लकार समझा। ठीक है, अब देखेंगे सब बच्चे। जैसे इसमें लिखा हुआ बालकः अपठत, बाल द्विवचन करना है, हमने कर्ता और क्रिया दोनों को बदलना है। बालकः का द्विवचन क्या होगा, बालकः बालको होता है, तो हमने यहाँ लिखा हमने बालकौ। और क्या लिखा है इसमें, अपठत है ना, अपठत प्रथम पुरुष एक वचन, अब द्विवचन लाना, अपठत अपठताम, बालकौ अपठताम, दो बालक पढ़े। अगला देखेंगे, अब यहाँ लिखा ते आहसन, एक वचन, एक वचन। अब तुम देखेंगे, देखें सब बच्चे, जैसे लिखा ना ते, ते का एक वचन क्या रहा है, सह, तो हमने कर्ता बदला, पहले हमने कर्ता बदला सह, और सह के साथ अत लगता है, अहसत, अहसत, वह हंसा, हंसा। आगे देखेंगे आवाम अपठा, बहुवचन, कर्ता अहम, आवाम का बहुवचन क्या होगा, वयम, हमने यहाँ लिखा पहले वयम, उसके बाद अपठाव, अपठम, अपठाव, अपठाम, हमने यहाँ कर दिया अपठाम। आगे देखेंगे त्वम अखाद, त्वम का द्विवचन युवाम, ठीक है, युवाम द्विवचन, अखादतम, आगे देखेंगे बेटा वह खेला, ये हमारा था, यहाँ मैं अनुवाद कर रही, वह खेला, इसके अनुवाद हमारे यहाँ जाएंगे। ठीक है, वह खेला, वह की संस्कृत क्या होती है, स, खेला, स के साथ क्या लगता है, अत लगता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम सह अखेलत, अखेलत या अक्रीडत कुछ भी लिख सकते हो। तुमने नमस्कार किया, तुमने, तुम की संस्कृत क्या होती है, त्वम, हम क्या लिखा, हमने क्या लिखा यहाँ पर, त्वम, नमस्कार किया, अपठ है ना यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, अ नमः, अ न मह। अगला क्या है, हम दोनों खेले, त्वम अ नमः मतलब तुमने नमस्कार किया, त्वम मीन्स तुमने, अ नमः नमस्कार किया, हम दोनों खेले, हम दोनों की संस्कृत क्या होती है, ये होती है ना आवाम, तो हमने लिखा यहाँ पर आवाम, आवाम के साथ क्या लगता है, आव लगता है, अ खे लाव। आगे देखेंगे तुम सब बोले, तुम सब की संस्कृत क्या होती है, यूजम, मूल धातु कौन क्या है बोलने में, बद धातु, अ व द त, हलंत नहीं आएगा, ठीक है, हलंत केवल किस में आएगा, यहाँ आएगा हलंत, ठीक है, इस वाले में नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो ठीक है बेटा, आप सबको अब शायद समझ आ गया होगा, विश्वास करती हूँ समझ आ गया होगा आपको, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछेंगे आप। ठीक है, अगली कक्षा में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।